आदाब से नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वज़ीर के टी रामा राव ने सिद्दीपेट में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। बीआरएस हुकूमत अवामी फलाह बहबूद की पाबंद, वज़ीर के टी आर का खिताब। 8 मई को कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी बेरोजगारी के मसले पर एहतजाजी रैली मुनज़्ज़िम करेगी, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी का बयान। बजरंग दल पर पाबंदी के ऐलान पर बीजेपी चिराग पा, कांग्रेस दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना, पुलिस ने एहतजाजी रैली को बनाया नाकाम। ट्रांसफार्मर कॉपर कॉइल के सरके में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार, 60 किलो कॉपर वायर व दीगर अशिया की गई बरामद, कमिश्नर पुलिस रक्षा कुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। उदयपुर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने गौतम बुद्ध जयंती के मौके पर अपने पयाम में कहा है कि तेलंगाना हुकूमत गौतम बुद्ध की तालीमात को आम करने की गरज से एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। इसके तहत रियासत के मुख्तलिफ अजला में वाक़े बुद्ध मत मंदिरों की तज़ीन नौ करते हुए उनकी अजमत रफ्ता को बहाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मिट्टी में बुद्ध मत कल्चर सदियों से पेवस्त है। उन्होंने इसकी मिसाल दरियाए गोदावरी और दरियाए कृष्णा के किनारे सदियों से वाक़े बुद्धिस्ट साइट आरामास को बताया। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर में क़ायम किया गया बुद्धा वनम बैन अल-अक़वामी मेयार पर तामीर किया गया है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैयाह नागार्जुना सागर का रुख करते हैं। रियासती वज़ीर के टी रामा राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। सिद्दीपेट में इंडोर स्टेडियम के अलावा दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद उन्होंने अवाम से खिताब किया। नादिगामी इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर के टी रामा राव ने सिद्दीपेट ज़िले के हुसनाबाद में इंडोर स्टेडियम के अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि हुसनाबाद की आवाम ने उन्हें बताया कि उन्हें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आसरा वज़ायफ़ देने और लड़कियों की शादियों के लिए 1 लाख रुपये फरहम करने और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम से आरास्ता करने से वो खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए आने वाले असेंबली इंतखाबात में आवाम ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस के झूठे वादों में फंसेंगे, बल्कि फिर एक मरतबा वो बीआरएस को ही कामयाब बनाएंगे। मुदालो अम्मा की कायदम इच्छे आम पेर अड़े पेर अंटे ना पेर मोगिली पालम अनीता సంతోషమా మరి ఇల్లు వచ్చింది కదా అంటే చాలా సంతోషం అన్నది. హుస్నాబాద్లో ఇవాళ ఇల్లు ఇదే ఇల్లు గిన్న 560 చదరపడుగుల ఇల్లు మంచిళ్లతోని కరెంటుతోని మొత్తం సర్వం తయారు చేసి పోయి పాలు వంగించినందుకు తయారున్న ఇల్లు. అది ఒకవేళ నువ్వు ప్రైవేట్గా కొంటే ఎంత అయితే చెల్లే అని అడిగినా ఒక 15-20 లక్షలు అయితే పక్కా అవుతుందన్నా అన్నది. అన్నాక నేను అడిగినా మీ ఆయన ఏం చేస్తాడమ్మా అన్న, మా ఆయన లేడు లేడన్నా చనిపోయిండు అన్నది. మరి ఎంతమంది పిల్లలు అన్న? నాకు 3 పిల్లలు, అందులో ఒక పిల్లగానికి కొద్దిగా తెలువది, ఇంకో 2 పిల్లలు ఉన్నారు, పిల్లగానికి తెలువది, 2 ఆడపిల్లలు అన్నది. అంటే నేను అడిగిన అమ్మ మరి పెన్షన్ వస్తున్నదా, భర్త లేడన్నావు కదా పెన్షన్ వస్తున్నదా అన్న. వస్తున్నదన్న, 2000 వస్తున్నది నెలకన్నది. మరి నీ కొడుకుకు వస్తున్నదా, తెలువని పిల్లగాడన్నావు కదా కొడుకుకు వస్తున్నదా అన్న, 3000 రూపాయలు వస్తున్నదన్నా అన్నది. 2 బిడ్డలు ఉన్నారు కదా, మరి వాళ్ళకేమైనా అందిందా ప్రభుత్వం నుంచి? అంటే ఒక పాప గురుకుల పాఠశాలల చదువుతున్నదన్న అనే మాట చెప్పింది. ఇంకొక పాపకి ఏమైనా చేయాలన్నా అంటే పెరుగుతుంది. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से 8 मई को सरनगर में बेरोजगारी के मसले को लेकर एहतजाजी रैली मुनज़्ज़िम की जाएगी, जिसको कांग्रेस कायद प्रियंका गांधी खिताब करेंगी और
यूथ डिक्लेरेशन का ऐलान करेंगी। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो बड़े पैमाने पर इस रैली में शिरकत करें। रेवंत रेड्डी ने बताया कि बीआरएस हुकूमत ना तो 2 लाख जायदादों पर तखर्रात अमल में लाई है और ना ही किसानों के कर्जे जात मुआफ़ किए, जिसकी वजह से तेलंगाना की तश्कील के बाद 2 लाख किसानों ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस में मैच फिक्सिंग होने का इल्ज़ाम आयद किया। నియామకాలు చేపట్టలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు శాసనసభలో మేము అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా 1,07,000 ఖాళీలు ఉన్నాయి, సంవత్సరం తిరిగే లోపల వాటిని భర్తీ చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు। 9 సంవత్సరాల తర్వాత బిశ్వాల్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం 1,91,738 ఖాళీలు ఉన్నాయని చెప్పారు। దాదాపుగా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి। ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి 80,000 ఉద్యోగాలకు నియామక నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చినాము। తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుందని చెప్పి ఆర్బాటంగా ప్రకటనలు చేస్తూ ప్రచారం చేసుకున్నారు। చివరికి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహిస్తున్న అన్ని పరీక్షలకు సంబంధించిన ప్రశ్నపత్రాలు సంతలో సరుకులాగా జిరాక్స్ सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने जुमे के रोज़ बीबी नगर में पदयात्रा की और आज उनकी हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा 50 फीसद में दाखिल हो गई। उन्होंने किसानों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया। बीबी नगर के किसानों ने उन्हें बताया कि गुज़िश्ता 15 रोज़ से वो अपनी धान फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों ने सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का से ख्वाहिश की कि वह हुकूमत से सिलसिले में नुमाइंदगी करें। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस इख्तदार पर फायज होने के बाद बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के वादे के खिलाफ बीजेपी ऑफिस से कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन तक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए बीजेपी कायदीन और कारकुनों को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस दौरान काफ़ी देर तक बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर देखे गए। बीजेपी कारकुनों ने JSR और भारत माता की जय के इश्तियाल अंगेज नारे भी लगाए। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने टी सेट से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 पर्चे अफशा केस में मुलविस तमाम अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल करें, और साथ ही उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मौजूदा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड तहलील करते हुए नया बोर्ड तश्कील दें और तमाम 2 लाख मखलूआ जायदादों पर तखर्रात को मुमकिन बनाएँ। ఈరోజు బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి ఒక కొత్త ఎఫ్ఐఆర్ ఒక కొత్త కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేయడానికని వచ్చాం। ఇదేమిటంటే అసలు టిఎస్పిఎస్సి పేపర్ లీకులకు సంబంధించి లోపల ఉన్న ఒక టెక్నికల్ పర్సన్ కి ఒక ఐపి అడ్రస్ ఒక పాస్వర్డ్ తెలిసినంత మాత్రాన యదేచ్ఛగా హ్యాక్ చేసుకొని దాని లీక్ చేసి ఇంత మంది బిడ్డల జీవితాలతో ఆటలు ఆడుకున్నారు। కానీ వాస్తవానికి ఆలోచన చేయాల్సింది ఇక్కడ ఏమిటి అంటే అంత సులభంగా ఇది ఎలా సాధ్యమైంది, అంత సులభంగా ఒక మనిషికి ఒక ఐపి అడ్రస్ తెలిసి ఒక పాస్వర్డ్ తెలిస్తే మన రాష్ట్రంలో ఏదైనా యదేచ్ఛగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ లోనైనా ఏ కంప్యూటర్ సిస్టం లోనైనా మన రాష్ట్రంలో ఏ సెక్యూరిటీ ఏ భద్రతకు సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా
ఏ టెర్రరిస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా లేకపోతే ఏ భద్రత ఇన్ఫర్మేషన్లు అయినా ఏదైనా కూడా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఒక పాస్వర్డ్ తెలిస్తే ఎవరైనా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించడం कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने जुमे को चंद्रायनगुट्टा और संतोष नगर पुलिस स्टेशन की नई इमारतों की तामीर का जायजा लिया। उन्होंने नए पुलिस स्टेशन से मुतालिक मालूमात भी हासिल की, जबकि जोन के पुलिस ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। गच्चीबौली पुलिस ने तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलविस दो रहसनों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी माधवपुर जोन ने बताया कि तांडूर के साकिनान प्रशांत और जनार्दन यादव ने 27 अप्रैल को खानगी कंपनी में काम करने वाली खातून जो अपने दफ्तर की बस से गच्चीबौली बस स्टैंड तक आई थी और वहाँ से वो पैदल अपने हॉस्टल जा रही थी, उस दौरान एक शख्स उस लड़की के सामने आया और उसकी तिलाई चेन छीन कर फरार हो गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज होने के बाद दो मुश्तबा अफराद को इंदिरानगर के पास से तहवील में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि ये दोनों खातून की तिलाई चेन छीनने के वाक़े में मुलविस हैं। पुलिस ने सारिखों के कब्जे से एक तिलाई चेन, दो सेलफोन और एक बाइक जब्त कर ली। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन परिधि 27 अप्रैल रोजु सुमार 9 o'clock रात्रि 9 अट्लागा ఈ విక్టిమ్ లేడీ తన జాబ్ నుంచి తన హాస్టల్కి రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు టీసీఎస్ సినర్జీ పార్క్ బ్యాక్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక అఫెండర్ అక్కడ వెయిట్ చేస్తుండి, ఈమె రాగానే మెడలో ఉన్నటువంటి చైన్ని గుంజుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. దాని గురించి మనకి కంప్లైంట్ వెంటనే డైల్ 100 చేయడము, మనకి కంప్లైంట్ ఇమీడియట్గా క్రైమ్ టీమ్స్ అన్నీ కూడాను డిప్లాయ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి నిన్న ఈవినింగ్ ఇందిరానగర్ దగ్గర వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్ సస్పీషియస్గా ఏ బైక్ అయితే చైన్ స్నాచింగ్లో ఉపయోగించారని మనకి సీసీటీవీ కెమెరా త్రూ తెలిసిందో అదే బైక్ సేమ్ కలర్ అండ్ సేమ్ మోడల్లో ఉన్నటువంటి బైక్ మీద వస్తున్నప్పుడు సస్పీషియస్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళని అప్రిహెండ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్లో వాళ్ళ ఒప్పుకోవడం కూడా జరిగింది, కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో వీళ్ళిద్దరూ కూడా తాండూర్కి చెందినటువంటి దార్గాన్పల్లి అనే విలేజ్కి చెందిన వాళ్ళు. అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళిద్దరూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఐడిబిఐ క్యాంపస్ ఉంది మన పోలీస్ స్టేషన్ పక్కన, అక్కడ పని కలిసి పనిచేశారు. ఆ తర్వాత ఎస్బీఐ బ్యాంక్కి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా పనిచేశారు. ఇందులో ఒకరికి జాబ్ ఒక 2 months బ్యాక్ పోయింది. అండ్ ద సెకండ్ పర్సన్ అతను బైక్ ఈఎంఐస్ కట్టడానికి అట్లనే అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం అని చెప్పి, సెకండ్ పర్సన్ A2 అతనికి జాబ్ పోయి తర్వాత ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం తాగుడికి అలవాటయ్యి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం అని చెప్పి దీనికోసం అని ప్లాన్ చేసి ఇద్దరు కలిసి ఈ అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది. దీనికి అండర్ ది సూపర్విజన్ ఆఫ్ అడిషనల్ డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు, తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్ గచ్చిబౌలి అండ్ ది డిఐ అండ్ ఆల్ హిస్ టీమ్, వీళ్ళందరూ కూడా కంటిన్యూస్ అండ్ సస్టైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టి నిన్న వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ ది నేను సైతం కెమెరాస్ ఎవరైతే ఆ స్ట్రీట్లో పెట్టుకున్నారో డిఎల్ఎఫ్ స్ట్రీట్లో, వీ షుడ్ థ్యాంక్ దెమ్ ఆల్సో బికాస్ దే హ్యావ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ అ లాట్ ఇన్ ది డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది క్రైమ్. అట్లనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మహిళలకి ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, సెంటిమెంట్ కోసమనో లేకపోతే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్యూటీ ఆర్ ఫ్యాషన్ we cannot avoid wearing
सीसीएस एलबीनगर और भोनगे रोलर पुलिस ने बरखी ट्रांसफार्मर से कॉपर कॉयल से चोरी करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रचा कुंडा डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उड़ीसा का मुतवतीन सहदेव हजीरा, उत्तर प्रदेश के मुतवतियान अभिमन्यु राजभर और नंदू राजभर ने मुख्तलिफ मुकामात से ट्रांसफार्मर्स की कॉपर कॉयल्स का सरखा किया था और उनके दो साथी राहुल राजभर और रामचंद्र मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 1,00,000 रुपये की नगद रकम, 60 किलो के कॉपर कॉयल्स, एक टाटा गाड़ी, एक बाइक, 4 मोबाइल फोन्स और सरखे की वारदातों में इस्तेमाल होने वाले आलात को भी जब्त किया। बताया गया कि इस टोली का अहम सरगना सहदेव हजीरा 173 केसेस में मुलविस है, जबकि इसके दीगर साथी अभिमन्यु राजभर 84, नंदलाल राजभर 84, राहुल राज भर 107 और रामचंद्र 84 केसेस में मुलविस बताया गया है। ये पहली बार एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो ट्रांसफार्मर और कॉयल की थेफ्ट करता था, उसमें से है जो कॉपर वायर निकाल के फिर उसको जो बाकी एक्यूजन के साथ मिलके फर्नेस में मेल्ट करने के बाद ब्रिक बना के वो बाजार में बेच दिया करते थे। ये एक केस गैंग पकड़ने के बाद जिसमें तकरीबन 7 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हम लोग पकड़ चुके हैं, बाकी 3 मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर पकड़े जाएंगे। इनमें से एक यूपी का है, एक उड़ीसा का है, बाकी भी गए, एक दो लोग लोकल भी हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये लोग अभी तक तकरीबन 173 केसेस में इन्वॉल्व हैं। अभी तक 306 ट्रांसफार्मर्स को तोड़ के उनकी कॉपर चुरा चुके हैं। इस रिगार्डिंग में एक बात मुतालिक आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करने के बाद इनको 50,000 से लेके 1,00,000 तक की प्रॉपर्टी इनको मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का और पब्लिक का लाखों का नुकसान होता है। वो ट्रांसफार्मर का जब ये पहले इनका तरीका क्या था काम करने का कि पहले ये वहाँ पर एक मोटरसाइकिल जो इसी प्रॉपर्टी से इन्होंने खरीदी थी उससे पल्सर बाइक से जाके ये रेकी करते थे, मतलब वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करते थे कि कौन सा ऐसा ट्रांसफार्मर है और किस टाइम पे लोगों का आना जाना वहाँ पे कम रहता है। वो करने के बाद में 4 या 5 लोग वहाँ से जाते थे। एक आदमी की ड्यूटी होती थी कि वो जो उस तरफ आने वाला रास्ता है उसके वहाँ पर रह के खड़ा रहता था और अगर कोई आ रहा है तो इत्तला कर देता था। उसके बाद ये लोग इस टूल को यूज़ करके पहले 2 वायर को टच करने के बाद में उसको फेंक के 2 वायर टच होने के बाद में ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया से चली जाएगी, ट्रांसफार्मर अब पैसिव स्टेट में आ गया। उसके बाद इस टूल की मदद से जो उन्होंने खुद बनाए हैं, आप देखिए कोई मार्केट में मिलने वाला टूल नहीं है, तो इससे जो है वो ट्रांसफार्मर के बीच का जो कॉयल बॉक्स रहता है उसमें कॉयल रहती है और ऑयल होता है जो मेन पार्ट है ट्रांसफार्मर का, उसको तोड़ने के बाद पूरे ऑयल को निकाल के और जो कॉयल आप देख रहे हैं उन कॉयल को लेके ये लोग मार्केट में बेचते थे और उससे इनको पैसा मिलता था, उससे इन्होंने एक गाड़ी वाड़ी खरीदी। तो इसमें एक अहम बात यह है, पहली बात तो कि इसमें 1 और 2 एक्यूज्ड ऐसे हैं जो अभी तक कभी 173 केस में होने के बावजूद नहीं पकड़े गए। टोटल अभी तक जो जानकारी में आया है इन्होंने 306 ट्रांसफार्मर इसी तरीके से बर्बाद किए हैं। अब आप सोचिए कि 300 ट्रांसफार्मर कभी फसल के टाइम पे, क्रॉपिंग के टाइम पे, जब उस वक्त फसल बोने का समय है, तो उससे आवाम को कितना नुकसान, खासतौर से हमारे फार्मर्स को कितना नुकसान हुआ होगा। इसीलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारी क्राइम टीम ने उस पर कायम करना शुरू किया और ये एक गैंग पकड़ने के बाद में 83 केसेस यानी 83 केसेस अभी तक ऐसे हैं जो अभी तक डिटेक्ट ही नहीं हुए हैं और ये तकरीबन 4-5 जिले ऑब्लिक कमिश्नरेट से ताल्लुक रखते हुए केसेस हैं। इसमें राचाकुंटा के 60 केसेस हैं। रचाकुंडा पुलिस की जानिब से आवाम की सहूलत के लिए पहाड़ी शरीफ और भोनगिर में महीने में एक बार आवामी शिकायत की रास्त समाप्त की जाएगी। कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर इलाके की आवाम को सहूलत हो इसलिए हमने इस पहल का आगाज़ किया है। उन्होंने निरिनमेट का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर बालापुर से आने वालों को मुश्किल होती हैं, इसलिए एलबीनगर में इनकी शिकायत की समाप्त की जा रही थी। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए महीने में एक बार पहाड़ी शरीफ और एक बार भोनगिर में बैठ कर आवाम की शिकायत की समाप्त की जाएगी। आज जब डीएस चौहान पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनका मुकामी पुलिस अधिकारियों ने इस्तकबाल किया। पहाड़ी शरीफ से लेके यादगिरी गुट्टा, भोनगिर, छोटूपल, नेरेडमेट, ये पूरा राचाकुंडा कमिश्नरेट के एरिया है, तो किसी भी एरिया में
हर जगह की पुलिस को बराबर तवज्जो, हर जगह की आवाम को बराबर तवज्जो मिले, इसी के तहत हमने ये एक प्रेस मीट यहाँ पे रखा गया है। और इसी के साथ में एक हम छोटा सा सिलसिला, छोटी सी पहल आवाम के लिए शुरू कर रहे हैं कि हर जोन में, जैसे नेरेडी मेट में मैंने देखा कि बहुत सारी पब्लिक पहाड़ी शरीफ से, बालापुर से आने में बहुत बेचारों को तकलीफ़ होती थी, तो एलबी नगर में हम कई बार बैठते हैं, हफ्ते में एक या दो बार, तो एलबी नगर में तो पब्लिक आ जाती थी, तो इसके तहत में महीने में एक बार पहाड़ी शरीफ और महीने में एक बार भुवनगिरि में जाके वहाँ पे भी बैठ के जो आसपास की पब्लिक है, आवाम है, जिनकी शिकायत बेचारे जो इतना दूर नहीं आ सकते हैं, उनकी डायरेक्ट हम शिकायत सुनने के लिए और उनको फौरी कार्रवाई करने के लिए ये एक सिलसिला। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने क्लियूस टीम के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। तफसीलात के मुताबिक कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने फिंगरप्रिंट और क्लियूस टीम स्टाफ के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर डीसीपी क्राइम्स कमलेश्वर सिंगिनवर, आईपीएस असिस्टेंट डायरेक्टर एफएसएल हैदराबाद क्लियर टीम एचओडी वेंकन्ना के अलावा दीगर ने इस इजलास में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि माधापुर में पहले ही से ये यूनिट कायम है, ताहम शमशाबाद बारानगर जोन्स में भी फिंगरप्रिंट और क्लियूज टीम्स को सेटअप किया जाएगा। इलाहाबादी राजनगर और मेडिकल जोन मिर्चल जोन में खासकर इस सिलसिले में जहन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्लियूस टीम और फिंगरप्रिंट्स टीम किसी भी जुर्म के इर्तिकाब के बाद हासिल शवाहिद हासिल करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं। इस मौके पर दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। जलपल्ली म्यूनसिपल्टी के मुख्तलिफ वार्ड्स में अवामी फलाह बहबूद के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 5 में वाक़ बिस्मिल्ला कॉलोनी में कंटी वेलगु कैम का अहतमाम किया गया। तफसीलात के मुताबिक वार्ड नंबर 5 बिस्मिल्ला कॉलोनी में कंटी वेलगु कैम्प का आगाज़ किया गया, जिसका अफ्तिताह नुमाइंदा कौंसलर सैयद याहिया ने किया। उन्होंने बिस्मिल्ला कॉलोनी और अतराफ अकनाफ की आवाम से अपील की कि वो इस कैंप से इस्तेफादा करें। याद रहे कि कंटी वेलगु कैंप में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आवाम की आंखों के मुआयने किए जा रहे हैं और जिनको ऐनकों की ज़रूरत है ऐनकें भी दी जा रही हैं। इस मौके पर कंटी वेलगु कैंप सुपरवाइज़र स्नेहा लता के अलावा मकामी इब्तदाई सदर शेख गौद और दीगर भी मौजूद थे। आज बिस्मिल्ला कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में कंडवेलू प्रोग्राम, जो हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम निकला है, इस प्रोग्राम से काफ़ी लोग इस्तेफादा उठा रहे हैं। मेरी बस्ती वालों से भी अपील है कि इस कंडवेलू प्रोग्राम के अंदर अपने आँखों को चेकअप करा लें अच्छी तरीके से। यहाँ पर चश्मा और उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन, अगर किसी को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी या कोई और लेंस वगैरह की भी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से रेफ़र करने से यहाँ आपको सरोजनी हॉस्पिटल के अंदर फ्री में ट्रीटमेंट होगा। ये लोग को टोटली गवर्नमेंट की तरफ से है, एक हमारे केसीआर की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है ये। इस प्रोग्राम से तमाम अवामुन्नास इस चीज़ से फ़ायदा उठाए। ये प्रोग्राम बिस्मिल्ला कॉलोनी के अंदर 5 दिन के लिए है, जुम्मा रहेगा, हफ्ता इतवार 2 दिन बंद रहेगा, फिर पीर मंगल चारशंबा जुमेरात, फिर 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा ये। आप मेरे तमाम बस्ती वालों से यह अदबन गुजारिश है कि इस प्रोग्राम से ज़्यादा इस्तेफादा उठाए। कारवान उर्दू नंदियाल आंध्र प्रदेश की जानिब से उर्दू भवन एनटीआर शादी खाना नंदियाल में
عید ملاپ مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس کی صدارت عبدالصمد نے کی۔ محبوب النساء چیئرمین نندیال میونسپلٹی نے مانفسی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ ڈاکٹر ایس ایم نعمان سابق چیئرمین اردو اکیڈمی آندھرا پردیش مہمان اعزازی کے طور پر شریک رہے۔ کنوینر مشاعرہ امجد شریف کوثر اور سید جمیل الدین نے مہمانوں اور شرکا کا خیر مقدم کیا جبکہ سی عبدالعزیز تسلیم نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ مشاعرے میں کلام سنانے والوں میں کرنول کے شاعر قریشی کے علاوہ مقامی شعرا فخر الدین عاجز، امجد کوثر، سید جمیل الدین، ابو ارشاد، عزیز تسلیم، سلیم پرویز، فیروز شاہ صدیقی، شعیب الزما و دیگر شامل ہیں۔ اردو طالبات نے مشاعرے میں مزاحیہ کلام بھی سنایا۔ اس موقع پر ضلع نندیال میں اردو ادب کو پروان چڑھانے کی کوششوں میں مصروف کاروان اردو اور آپوٹا کے سربراہ عبدالعزیز کو مہمانان کے ہاتھوں مولوی عبدالحق کی ٹوپی پہناتے ہوئے ان کی خدمات کی ستائش کی گئی۔ انتظامی کمیٹی اراکین شیخ حسین بادشاہ، ڈی نواز بادشاہ اور ایس ایم اقبال نے انتظامات کی نگرانی کی۔ اور دیگر عید کی خوشی نے ہمیں دیوانہ کیسے رنگ لاتی ہے تو بجانے عید آئی ہے تمہیں کیا کہو کوئی دیکھ پاتا ہے بدن دکھنا کے اور یہ رنگ وہ روپ درندے شب زفاف کے دن آپ کے امی عید کے روز بھی تقدیر سے مروان اردو کے صدر صاحب اجنبی شہر کے اجنبی راستے میرے سرخائے ہم خود نہیں کرے تو دوسرا کیا کروں چاہتے ہیں پشچمی جا رہے ہیں تو میں اس کے ہفتے ایکسپلین کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نعمان سر کے ایل میں سنتی تھی شہر ساحل کیسا چلتے ہیں کبھی ہمیں تیلگو میں وہ تو کبھی کال بہت سارے لوگ بولتے ہیں ان کے نام بھی جتنے بھی باہر جاتے ہیں میں اردو کے ڈیولپمنٹ واسطے ملا لے جاتے ہیں تو اردو کے واسطے کاروان اردو کا آرگنائزیشن رکھا گیا اس میں اردو کے لوگ افسوس کی بات ہے ایسی قوم میں ہم ہیں جس قوم کو جو ہے ہم رہنمائی کر رہے ہیں اس کے فکر کر رہے ہیں مگر شاید وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ضلع نندیال میں کاروان اردو کی سرپرستی میں عید میلاد مشاعرہ منعقد کیا گیا جن میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے علی جناب ڈاکٹر نعمان صاحب سابقہ چیئرمین اور بلدیہ کے چیئر پرسن محترمہ محبوب النساء صاحبہ اور وظیفہ یاب تحصیلدار جناب فخر الدین صاحب اور بلدیہ کے کوآپشن ممبر سلام اللہ صاحب نے شرکت مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کی اور ان کے علاوہ دیگر شعراء اکرام نے بھی شرکت کی اور طلباء طالبات نے بھی شرکت کی۔ ان تمام لوگوں نے اس میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا، پرجوش حصہ لیا اور آخر میں عبدالعزیز جناب سی عبدالعزیز صاحب کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے بہترین ٹوپی سے انہیں تہنیت پیش کی گئی اور شال پوشی بھی کی گئی اور یہ اعلیٰ پیمانے پر کافی اچھا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے سدی پیٹ میں ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ بی آر ایس حکومت عوامی فلاح بہبود کی پابند، وزیر کے ٹی آر کا خطاب۔ 8 مئی کو کانگریس قائد پرینکا گاندھی بیروزگاری کے مسئلے پر احتجاج ریالی منظم کرے گی، صدر پی سی سی ریونت ریڈی کا بیان۔ بجرنگ دل پر پابندی کے اعلان پر بی جے پی چراغ پا، کانگریس دفتر کے روبرو احتجاجی دھرنا، پولیس نے احتجاجی ریالی کو بنایا ناکام۔ ٹرانسفارمر کاپر کائل کے سرقے میں ملوث 3 افراد گرفتار، 60 کلو کاپر وائر و دیگر اشیاء کی گئی برآمد، کمشنر پولیس رچا کنڈا کی میڈیا کانفرنس۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔